So, आपके लिए एक बहुत प्यारे प्यारे मैंने खतरनाक चीजें खोज के रखी है, क्योंकि भैया आजकल कपिल शर्मा शो फेल हो चुका है। मुझे क्यों तोड़ा? आप किसी पाकिस्तानी का इंटरव्यू ले लो, उसमें ज्यादा हंसी आ जाएगी मुकाबले कपिल शर्मा शो की। नहीं यकीन तो भैया आ जाओ। हारने का गम नहीं, इतनी बुरी तरह हारने का गम है। मेरा दिल टूट के हाथ में आ रहा है, मेरा दिल कचूमर रो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इतनी बुरी तरह हारे, 23 रन से 23 रन, और इतना मिडिल ऑर्डर हमारा इतना वीक, बहुत बहुत ज्यादा शर्म की मुकाम है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पहले दिल तोड़ा था, अब तुमने तो पूरा, पहले हमारा थोड़ा सा दिल तोड़ा था, पूरा दिल तोड़ दिया, जीने का मजा तुमने किरकिरा कर दिया। इस तरह क्या हो सकता है? और बाबर आजम, आपको तो मैंने वजीर आजम बनाया था, पूरे एशिया कप में आपकी परफॉर्मेंस जीरो रही। और हमारे जो पॉलिटिशियंस है वो भी सियासत करते रहते हैं, हारने का जीतने का क्रेडिट लेते रहते हैं, हमारा मुल्क पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा हमारे साथ क्या हो रहा है। इस तरह की परफॉर्मेंस बहुत बहुत शर्म की बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए। एक नसीम शाह ने पूरी टीम को जो ना शारजाह में अकबर शाह के खिलाफ कैरी करा। बस नसीम शाह से ही कहूंगी कि एक ही दिल आप कितनी बार जीतेंगे, लेकिन उसके अलावा मेरे बाबर आजम आप क्या कहने। और जो रिजवान है वही सब पे मेहरबान है, बाकी मुझे समझ नहीं आ रहा हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का या अल्लाह क्या होगा। लड़की थी इसलिए थोड़ा मूविंग ऑन, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। वो तो वो होना था जो उनका हो गया, लेकिन आओ भाई साहब एक तो गैंगस्टर से मिलवाता हूँ जो कि भाई साहब धमकी दे रहा है उसे मारने की। सीरियसली बाबर आजम, मैं तेरे होटल आ रहे हैं, जूतियां मारन, मैंने तेरे रूम का नंबर पता लग गया, पहुंच होटल तू, मैं आ रहा हूं। नहीं आ रहा। मीनवाइल ए गाड़ी स्टार्ट कर, चप्पल छोड़ गया। हम फर्स्ट। देखो एज अ फैन ठीक है, गुस्सा करना सही है, मतलब कोई दिक्कत की बात है नहीं, आप गुस्सा कर सकते हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम जाओगे वहाँ पे और बाबर आजम भाई साहब अपना बम लेके खड़ा हो जाएगा कि आओ भाई साहब मार लो तुम भी 4-5 बल्ले। देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बस बोलो और खत्म करो, ठीक है। गेम ही तो है, लेकिन भाई यार कसम से ये तो चलो इमेच्योर बंदा समझ में आ रहा है, लेकिन अभी देखो भाई साहब सीनियर लोगों का क्या हाल है यार। देखे हारे भी बंदा तो किसी वजह से हारे, कोई खेले तो सही। क्या करूं मैं, मर जाऊं? देखो बंदा एक आध रन से हारता है तो 10, तुम लोगों से तो ना कोई बैटिंग हुई है, ना फील्डिंग हुई है, ना बॉलिंग हुई है, ये किया क्या इन्होंने? देखें आप इंडिया से होंगे जी, तो आपके आपके तो बहुत खुश होंगे। नहीं नहीं हम खुश नहीं है सर। नहीं भाई नहीं, हम बिल्कुल खुश नहीं है, हम भाई साहब बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन तुम यकीन मानो भैया, तुम्हारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान बहुत ज्यादा खुश है, मतलब यार उनकी टीम भाई साहब डिस्क्वालीफाई हो गई सारे मैच हार कर, तब भी भाई साहब देखो वहाँ पे हार का जश्न मनाया जा रहा है। देखो देखो मोदी जी देर न लगाई जी, कर पाकिस्तान को चढ़ाई जी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एट दी एंड बस इतना कहना चाहूंगा कि गेम को गेम की तरफ से रखो, मतलब यार सब लोग उतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं कि पूछो ही मत यार। देखो यार रिएक्शन था, हमारा भी हाई था, बट इतना नहीं कि भैया मैं जा रहा हूँ तुम्हें मारने के लिए, रिस्पेक्ट तो करो यार। रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो फिर क्या ही फायदा यार, वो बंदा फिर से डिमोटिवेट होगा तो कुछ नहीं कर सकता। गेम है, हार जीत दो ही चीजें हैं, या तो होगी या फिर नहीं होगी। ठंड पाओ, बट फिर भी मेरे को पूरा भरोसा है पाकिस्तान वाले नहीं सुधरेंगे। सही फाइनल में मींदे लगा के बैठे रखे थे, आज कप आएगा ही आएगा, तो वो कप श्रीलंका लेके चले गए।